में कहीं से दोहरा यानी कि सूरत राय के जाने के बाद में निवेशकों का जो पैसा है, जो मिलने की उम्मीद थी, वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है। लेकिन संस्था है, संस्था को पैसा देना है, सरकार की जवाबदेही है। देश का लगभग हर तीसरा आदमी जो है इस सारा वाले मामले में ठगा गया है, तो निश्चित रूप से चिंता का तो विषय है। इस मामले में सरकार को आगे बढ़कर जो है उन निवेशकों की चिंता करनी चाहिए और भुगतान करना चाहिए। कहीं ना कहीं सुब्रत राय की वजह से एक भुगतान को जो होने की उम्मीद थी और सरकार भी प्रयास कर रही थी, तो सुब्रत राय के जाने के बाद में मुझे कोई पूरे सारा ग्रुप में ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी राजनीतिक पैठ हो या सरकार दिलचस्पी ले। लेकिन निवेशकों को तो मैं ये कहना चाहूँगा इस समय कि संयम से वो लोग काम लें, क्योंकि सरकार की भी जिम्मेदारी जवाबदेही है और हम लोग भी इस समय लगे हुए हैं। और सारा में भी जो है जब सारा सिरी के जाने के बाद में उन लोगों को भी गंभीरता से लेना पड़ेगा, तो प्रयास हो रहे हैं और ये प्रयास कहीं ना कहीं रंग लाएंगे। उन लोगों को संयम से काम लेना चाहिए और सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी सरकार को प्रदान कराना ही पड़ेगा। नमस्कार, मैं सरिता और आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। आज हमारे साथ सहारा पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट मिस्टर चरण सिंह राजपूत। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फ्रीडम न्यूज़ में। थैंक यू सर। जैसे कि अभी सहारा श्री जो हैं सुब्रत राय जी, उनका निधन हो गया है, तो सहारा निवेशकों का सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो यही है कि किस तरीके से अब उनको उनका पैसा वापस मिलेगा, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सरिता, ये स्वाभाविक है और काफ़ी एजेंटों के और विशेष रूप से जो आंदोलन कर रहे हैं निवेश को लेकर, उनके मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि भाई अब क्या होगा। इसमें कहीं से दोहरा यानी कि सुब्रत राय के जाने के बाद में निवेशकों का जो पैसा है, जो मिलने की उम्मीद थी, वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है। लेकिन संस्था है, संस्था को पैसा देना है, सरकार की जवाबदेही है। वो सेबी ने भी बोला है कि भाई जो सारा पर केस चल रहा था वो लगातार चलेगा, तो पैसा तो संस्था को देना होता है और सबसे बड़ी जवाबदेही सरकार की है, जिम्मेदारी भी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके इस चैनल के माध्यम से कि भाई सरकार को जो है आगे बढ़कर निवेशकों का 3 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान है, और कितने बेचारे एजेंट हैं जिनकी जो है घर पे तोड़फोड़ हो रही है, उनकी जलालत झेलनी पड़ती है, 5,000 से ऊपर एजेंटों ने आत्महत्या की है, कितने निवेशक बेचारे अपनी बेटियों की शादी कराने के लिए उन्होंने पैसा जमा किया था, बच्चों की पढ़ाई के लिए किया था, और तमाम जो है कि भाई हमारे पास एक मुश्त पैसा होगा कि हम कोई कारोबार कर लेंगे, लेकिन सारा पैसा डूब चुका है उन लोगों का। और मैं देखता हूँ कि देश का लगभग हर तीसरा आदमी जो है इस सारा वाले मामले में ठगा गया है, तो निश्चित रूप से चिंता का तो विषय है। तो इस मामले में सरकार को आगे बढ़कर जो है उन निवेशकों की चिंता करनी चाहिए और भुगतान कराना चाहिए। जैसे कि जब सहारा श्री मौजूद ही थे उस समय ही उनका पैसा उनको नहीं मिला, तो अब तो वो हमारे बीच रहे ही नहीं हैं, तो अब क्या लगता है कि आगे कुछ उनको उनका पैसा उनको मिल पाएगा? देखिए, सुब्रत राय के रहते हुए एक उम्मीद थी। सुब्रत राय ने बोला भी था कि मेरी 2 लाख करोड़ से ऊपर की संपत्ति है, यदि मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा तो संपत्ति बेच के दे दूंगा। और दूसरा, सरकार भी इसलिए प्रयास कर रही थी क्योंकि सुब्रत राय के राजनीतिक संबंध बड़े अच्छे रहे हैं, और सुब्रत राय जो है और ये सारा रिफंड पोर्टल जो लॉन्च हुआ था, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया था, उसमें भी यही बोला जा रहा था कि सुब्रत राय को बचाने के लिए ये रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो कहीं ना कहीं सुब्रत राय की वजह से एक भुगतान को जो होने की उम्मीद थी और सरकार भी प्रयास कर रही थी, तो सुब्रत राय के जाने के बाद में मुझे कोई पूरे सारा ग्रुप में ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी राजनीतिक पैठ हो या सरकार दिलचस्पी ले। हालांकि पैसे की कमी सारा पे नहीं है, अभी आज आपने देखा सारे समाचार पत्रों में सुब्रत राय को श्रद्धांजलि देने के लिए फ्रंट पेज पर विज्ञापन है पूरे पेज का, मतलब ये कह सकते हो कि अरबों रुपए का विज्ञापन जो है सारा ने सुब्रत राय को श्रद्धांजलि देने के लिए दिया है। तो पैसे की तो कमी है नहीं है, कमी नियत की है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार जो है इस मामले में कितनी दिलचस्पी लेती है और कितना निवेशकों को भुगतान मिलता है। अमित शाह जी ने जो रिफंड पोर्टल लेकर आए थे, वो उससे एक आशा की किरण कहीं ना कहीं लोगों के बीच आई थी कि हमें शायद अब हमारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन रिफंड पोर्टल भी किसी काम नहीं आया। बिल्कुल, जो आंदोलनकारी हैं, जो निवेशक हैं, उन्होंने रिफंड पोर्टल को जो है पूरी तरह नकार दिया है। और उन लोगों का ये कहना है कि भाई ये तो सुब्रत राय को बचाने के लिए रिफंड पोर्टल गृह मंत्री लाए हैं, और ये कहीं ना कहीं लगने भी लगा था कि सरकार जो है सुब्रत राय को बचा रही है, लेकिन पैसे मिलने की तो एक उम्मीद लगी थी लोगों को, 10,000 रुपये काफ़ी लोगों को मिला भी है। और अमित शाह ने यह भी बोला कि भाई अब 10,000 दे रहे, फिर 50,000 भी देंगे, लाखों भी देंगे, 25,000 करोड़ रुपये जो है सारा सिबी के खाते में बताया जा रहा है। तो एक पैसे मिलने की उम्मीद थी, और ऐसा नहीं कि पैसा डूब चुका है या सरकार प्रयास नहीं करेगी, अभी भी उम्मीद है। लेकिन ऐसा
असमंजस की स्थिति है इसमें से। अब निवेशक जो है वो अभी आप पहला व्यक्ति मैंने देखा कि जब निधन होता है कोई उसके बारे में निंदा नहीं करता है, गलत बात नहीं बोलता है, लेकिन सुब्रत राय के बारे में मैंने देखा जिन एजेंटों ने आत्महत्या की या जो बेचारे जिनका पैसा डूब चुका है वो तरह तरह की जो बयानबाजी की अनाप शनाप बोल रहे थे, तो कहीं ना कहीं पीड़ा तो है लोगों में, दिक्कतें तो हैं लोगों में। अब देखना ये होगा कि और सारा की बात भी देखिए, सारा की मैं बताऊँ आपसे कि ऐसी चर्चा है सारा ग्रुप में जो मेरे पास सूचनाएँ आ रही हैं कि सुब्रत राय को पहले आभास हो चुका था कि मेरी मौत होने वाली है। वो 7 नवंबर को सुब्रत राय ने जितने भी सीनियर अधिकारी हैं सारा में उन लोगों की मीटिंग ली और सारा पैरा बैंकिंग जो है ओपी श्रीवास्तव जो दूसरे नंबर के निदेशक रहे हैं उन्हें दे दिया, और जो फाइनेंस है अपनी पत्नी स्वप्ना राय को दे दिया, और मीडिया जो अपने छोटे भाई जयव्रत राय को दे दिया, और अपनी जिम्मेदारी से वो मुक्त हो चुके थे। लोगों का ये कहना है कि उन्हें कहीं ना कहीं आभास हो चुका था। और 12 नवंबर को मुंबई के कोकिला बहन अंबानी अस्पताल में सुब्रत राय भर्ती होते हैं और 14 नवंबर के रात को 10:30 बजे उनका निधन की जो है सूचना आ जाती है। तो ये भी एक इसे आप चर्चा कहें अफवाह कहें या सुब्रत राय की जो है सुब्रत राय के अंदर एक सम्मोह की क्षमता बहुत ज़्यादा थी, वो आदमी बड़ी गंभीरता से बात करता था और सुब्रत राय में एक चीज़ बहुत अच्छी थी, सम्मान करना जानता था। क्योंकि जब हम लोगों ने सारा मीडिया में आंदोलन किया, एक प्रतिनिधिमंडल सुब्रत राय से तिहाड़ जेल में मिलने पहुंचा, तो सुब्रत राय ने हम लोगों का भी स्वागत गेट पे आए और बाकायदा स्वागत किया, और जहां हम लोगों की मीटिंग हो रही थी टेबल पर वहां पर लेकर गए। और मैंने खेल क्षेत्र में भी देखा जिस तरह सम्मान समारोह होते थे, सम्मान देते थे, तो बाकायदा वो उठते थे और मंच तक एक उस जिसका सम्मान होता था गणमान्य व्यक्ति को वहाँ तक ले जाते थे। लेकिन सुब्रत राय ने सबसे बड़ी गलती ये की है कि जिन लोगों का पैसा लिया वो वापस नहीं किया, एक मत से दूसरे मत में, दूसरे मत से तीसरे मत में, चौथे मत में जो कन्वर्जन का जो खेल चला, जो पैसा वापस नहीं किया, उससे सुब्रत राय फंसे। और सबसे बड़ी गलती ये कि जब यूपीए सरकार बनी 2004 में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात थी, उस समय ये जानकारी मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उस समय सुषमा स्वराज, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के उस समय मुखिया थे, एक पत्र लिखा था उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम को कि भाई ये भारतीय मूल की नहीं है, विदेशी मूल की, इन्हें प्रधानमंत्री ना बनाया जाए। तो ये जानकारी भी उस समय मिली थी कि कई उस पत्र पर सुब्रत राय ने भी सिग्नेचर कर दिए थे। तो मुलायम सिंह सुषमा स्वराज का तो कांग्रेस कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, तो सुब्रत राय उस समय टारगेट पर आए जो जानकारी मिली उसमें, और सारा से भी विवाद सामने आया। तो ये भी सुब्रत राय की बहुत बहुत गलती थी। और देखिए इस समय उनका निधन हो चुका है, उनकी ज़्यादा निंदा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सुब्रत राय ने जो है जिस तरह से ठगी की है तो आलोचना तो बनती है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि उनका निधन हो चुका है, जो उनके बाद में जो दूसरे निदेशक हैं, सिपे सलाह हैं, उन लोगों को श्रद्धांजलि के रूप में सुब्रत राय के निवेशकों का भुगतान कराना चाहिए। और ये भी जानकारी मिली कि सुब्रत राय ने बोला कि भाई 7 तारीख तक सब कर्मचारियों की सैलरी मिलनी चाहिए मेरे जाने के बाद में। और ये भी जानकारी मुझे मिली है कि सारा ग्रुप में पहली बार 7 तारीख को पूरे ग्रुप में सैलरी आई जिस दिन मुंबई में मीटिंग थी। तो सुब्रत राय की इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती सारा के लिए कि वो निवेशकों का भुगतान कराए, कर्मचारियों की जो पूरी सैलरी है वो समय से दे, और जिन लोगों का पैसा डूबा हुआ है वो चाहे संपत्ति बेच के दे या और जो पैसा उन्हें दे। मैं कहूँगा इससे बड़ी कोई श्रद्धांजलि जो है सारा के लिए इस समय नहीं हो सकती है। अंत में आप सहारा निवेशकों को इनको क्या कहना चाहिए? देखिए निवेशकों को तो मैं ये कहना चाहूँगा इस समय कि संयम से वो लोग काम लें, क्योंकि सरकार की भी जिम्मेदारी जवाबदेही है और हम लोग भी इस समय लगे हुए हैं। और सारा में भी जो है जब सारा श्री के जाने के बाद में तो उन लोगों को भी गंभीरता से लेना पड़ेगा, प्रयास तो हो ही रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में जैसे अखिल भारतीय एक विश्व भारती जनसेवा संस्थान एक संगठन बना है, वो सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डालने जा रहा है उसमें से, तो एक उम्मीद है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नया मोर्चा संघर्ष कर रहा है, हालांकि वो लोग चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, मैंने आलोचना की है, मदन लाला यादव संघर्ष कर ही रहा है, तो प्रयास हो रहे हैं और ये प्रयास कहीं ना कहीं रंग लाएंगे। उन लोगों को संयम से काम लेना चाहिए और सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी सरकार को भुगतान कराना ही पड़ेगा।